नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वापस आ गया है और डबल पावर के साथ वापस आया है और इस बार ये डरा रहा है, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। हम सभी लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठते हैं उसको लेकर। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। इसमें मुख्य चार सवाल मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसके उत्तर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोविड के संक्रमण के लक्षण क्या है, मतलब क्या लक्षण है जिससे हमें पता लगे कि हमको कोविड हो सकता है। आपको अस्पताल में कब भर्ती होना चाहिए अगर कोविड हो गया है, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको अस्पताल में कब भर्ती होना चाहिए, और अगर आपकी कोरोना जांच पॉजिटिव है तो आपको सीटी स्कैन अपना कब कराना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कब कराना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आप कोरोना पॉजिटिव तो क्या घर पर आपका इलाज हो सकता है। तो ये चार क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये चार सवाल हैं जिनके जवाब इसमें मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि कोविड संक्रमण के लक्षण क्या हैं, ये बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपको खांसी, जुखाम, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द और सांस लेने में कठिनाई हो तो आपको कोरोना संक्रमण हो सकता है। साथ ही साथ दस्त, उल्टी और स्वादहीनता, यानी कि स्वाद नहीं आता किसी भी खाने का, और स्मेल की भी प्रॉब्लम होती, किसी भी चीज़ों की गंध हमको स्मेल आती ही नहीं है, ये भी इन लक्षणों में शामिल है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण मौजूद है तो आपको खुद को ही कोरोना की RT-PCR जांच जाके बिल्कुल करानी चाहिए जिम्मेदारी के साथ। इसके अलावा यदि आपके पास कोई परिवार का सदस्य है जो कोरोना संक्रमित है, या कोई आपका मित्र है जो कोरोना संक्रमित है जिसके संपर्क में आप आए हैं, तो आपको संपर्क के 5वें दिन कोरोना परीक्षण कराना चाहिए, उसके पहले नहीं। जिस दिन आप उसके संपर्क में आए, उसके संपर्क में आने के 5वें दिन के बाद ही आपको कोरोना परीक्षण कराना चाहिए, RT-PCR जांच, तभी आपकी रिपोर्ट में पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन था कि मुझे कब अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। तो अभी जो मैंने सारे लक्षण बताए आपको पहली स्लाइड में, यदि आप उनमें से किसी भी गंभीर लक्षणों में से पीड़ित हैं, या फिर 6 मिनट चलने के बाद आपका SpO2 94% या उससे नीचे गिरता है, या आप 60 वर्ष से अधिक हैं और दूसरी गंभीर बीमारी है, तो इस स्थिति में आपको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। जिसमें कि सबसे मेन है कि आपको अगर सांस लेने में परेशानी आ रही है और आपको SpO2 94% से नीचे है, ऑक्सीमीटर मिलता है मार्केट में, आप घर में रखिए। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है, आपको बुखार आता है, तो ऑक्सीमीटर घर में रखिए और आप समय समय पर अपना SpO2 उससे नापते रहिए। अब एक क्वेश्चन है कि अगर मेरी कोरोना जांच पॉजिटिव है तो मुझे अपना CT स्कैन कब कराना चाहिए चेस्ट का। तो CT स्कैन आपको दोस्तों बिना बात के जाके नहीं कराना है, जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सलाह ना दे। CT स्कैन केवल डॉक्टर के सलाह पे ही किया जाना चाहिए। यह लक्षणों की शुरुआत के 5वें दिन से पहले कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो क्या मेरे घर पर इलाज किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। अधिकांश कोरोना पॉजिटिव लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी बिना लक्षण वाले होते हैं, या उनको हल्के लक्षण होते हैं, उनका घर पर ही कोरोना के इलाज के लिए बने दिशा निर्देशों के अनुसार, यानी कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग की, उसके अनुसार आपका इलाज घर पर हो सकता है और दूसरे सदस्यों से आपको अलग रखकर इलाज किया जाता है, जब तक कि मरीज को बीमारी के गंभीर लक्षण न दिखाई दें। सांस फूलना, ऑक्सीजन लेवल में कमी, बुखार का बना रहना, मतलब अगर ये गंभीर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, सांस फूलना, ऑक्सीजन लेवल में कमी और बुखार का बना रहना, तो फिर आपको घर से निकलकर अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जिसका आप ध्यान रखें। हाथ आप समय समय पर धोएं या सैनिटाइज करें और मास्क जरूर लगाएं। स्वस्थ रहें दोस्तों और कोरोना से बच के रहें, और लोगों को भी जागरूक करें कि वो मास्क जरूर लगाएं जिससे कि वो कोरोना से बचे रहें, और 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी लोगों से बना के रखें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। अगला वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो वैक्सीन के ऊपर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वैक्सीन के बारे में जो आप लोग जानना चाहते होंगे, वो अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।